पटना पूर्वी क्षेत्र में अभियान चलाया गया था जिसमें नशे के लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले, इसके अलावा मर्डर केस एवं रंगदारी केस के अलग अलग केसों में कल कुल जो है 13 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इसके अलावा 5 जुबेनाइल्स पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। तो टोटल 18 लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है, जिसे रोकने के लिए ईस्ट SP संदीप सिंह ने एक अभियान चलाया था, जिस अभियान के तहत दर्जनों अपराधियों को संदीप सिंह के नेतृत्व में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि तकरीबन 5 थानाओं के अंतर्गत यह मुहिम चलाया गया था, जिसमें दर्जनों अपराधियों को धर दबोचा गया है। अगर मेन मुहिम की बात कर ली जाए तो बहादुरपुर थाना अंतर्गत नशीले कारोबारों का जो सुई होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, उसका कारोबार किया जा रहा था। आपको नेक्सस की जानकारी दे देते हैं कि इसमें 7 अपराधियों को धर दबोचा गया है, जो कि राजधानी में विभिन्न थाना अंतर्गत अपना जो नशीले दवा का कारोबारी थे वह जगह जगह पर बेचते थे, और पटना के बाहर की भी बात कर ली जाए तो इनके नेक्सस पूरे पटना के बाहर भी फैले हुए थे। अगर आपको इंजेक्शन की इस बात कर लिया जाए तो यह प्रतिबंधित इंजेक्शन था, जो कि सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही यह नशीली दवा यानी कि यह दवा मिलती थी, जिसको अनलीगल तरीके से यह लोग पूरे राजधानी और राजधानी के बाहर बेचा करते थे। हालांकि आपको बता दें कि 8000 से अधिक यह दवाओं को संदीप सिंह के नेतृत्व में पकड़ा गया है, बहादुरपुर थाना अंतर्गत पकड़ा गया है। और यहाँ पर पूर्वी SP संदीप सिंह इस पर क्या कुछ बात कर रहे हैं, जरा देखें। कुछ दिन पूर्व से सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो नशीली दवाएं हैं, पर्टिकुलरली इंजेक्शंस यूज़ करके जिनका सेवन किया जाता है, तो 2-3 जगह पे उनका जो यूज़ किया हुआ इंजेक्शन है वो पुलिस को नागरिकों के द्वारा सूचना दी गई थी। उसके अलावा भी जो हमारा एक इंटेल था उसमें भी ये था कि नशीली दवाओं का प्रयोग हो रहा है। इस क्रम में बहादुरपुर थाना के द्वारा जो कार्रवाई की गई, सबसे पहले ये था कि 2 लड़कों को नशीली दवाओं और इंजेक्शन के साथ से पकड़ा गया। गहन पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा अलग अलग जगहों से इसका सोर्स होने का बताया गया। एक बहुत अच्छे मेटिकुलस तरीके से इसको फॉलो करके जो ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी टीम थी, वो थानाध्यक्ष बहादुरपुर और जो पटना के कुछ अलग अलग जगहें हैं उनसे भी जो है ये पूरा अपराध जैसे किया जा रहा था तो उसका पर्दाफाश किया गया है। ये इंजेक्शन के माध्यम से एक दवा होती है जो शेड्यूल X ड्रग है, उसमें बुप्रीनॉर्फिन होती है। ये मैन्युफैक्चर्ड ड्रग कैटेगरी में आती है, सेक्शन 22 NDPS एक्ट इसको कवर करता है, लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में। इसका सेवन जो है इंजेक्शन के माध्यम से किया जाता है। ये हॉस्पिटल यूज ड्रग है जो ये लोग पिलफरेज करके गैर कानूनी तरीके से ये लोग उसका सप्लाई यूथ में और मार्केट के अन्य लोगों के सहयोग से कर रहे थे। बहादुरपुर से पहले जब इन्होंने ये इसकी बरामदगी की, कुछ वायल थे, उसके बाद फिर निशानदेही पे कुछ मेडिकल स्टोर्स हैं अलग अलग जगह, चौक, फिर ऐसे ही ये लोग पीर बहोर, कदम कुआं, कंकड़बाग में एक जगह है और एक पत्रकार नगर एरिया में, तो अलग अलग जगहों से ये संयुक्त छापेमारी टीम और पुलिस के द्वारा ये पूरी खेप को, ये पूरे नेक्सस को जो तोड़ा गया तो पता चला कि ये पटना और पटना के बाहर के लोगों के मेल से जो है ये चल रहा था। जो पकड़ाए व्यक्ति हैं उनका नाम अजीत कुमार, करण कुमार, रजनीश कुमार, ओम प्रकाश, अभिषेक कुमार, अमरजीत कुमार, सुनील कुमार है। इसमें जो अमरजीत कुमार है ये पत्रकार नगर थाना कांड संख्या 779/22, जो 414 IPC और 25 आर्म्स एक्ट का अभियुक्त है। इसमें जो बरामदगी है ये 8022 वाइल जो हैं ली जैसिक नाम की दवा, जिसमें बेसिकली बुप्रीनॉर्फिन होता है, उसको सीज किया गया है। 6 एंड्रॉयड मोबाइल जो हैं
ये बरामद किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो नशीली दवाओं का ये रैकेट चल रहा था उसका एक उद्भेदन किया गया। नशीली दवाओं का कारोबार कर रहे हैं, नशीली दवाएं ये लोग कहाँ से मंगवाते थे, इसके सरगना कौन है, कब से काम चल रहा था? देखिए मैंने आपको ये पहले बताया है, सबसे पहले ये शेड्यूल एक्स ड्रग में आता है, भारत सरकार द्वारा जो है जो हॉस्पिटल यूज़ मेडिसिन होती हैं, बेसिकली जो बुपरिन ऑर्फिन है ये ओपियम एडिक्शन, जो मॉर्फिन एडिक्शन है उसको हटाने के लिए सब्स्टिट्यूट है और बहुत ही रेगुलेटेड वे में इसका यूज़ होता है। ये कहाँ सेल होती है, एक होता है ओवर द काउंटर ड्रग, एक होती हैं रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स जो ये वाली हैं, ये डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन और हॉस्पिटल यूज़ के लिए बनी होती हैं, नशे जो नशा छुड़ाऊ केंद्र होते हैं वहाँ यूज़ के लिए बनी होती हैं। इवन ये जो हैं इसका रिकॉर्ड भी कई सालों तक मेंटेन करके रखना होता है कि किसको किस परिस्थिति में किसके प्रशिक्षण पे और कहाँ से इसकी डिमांड हुई है, तो इनको रेगुलेट करने के जो प्रावधान हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, परंतु ये लोग जो हैं इसको बाईपास करके फिल फ्रिजिस करके, जैसे मैंने बताया कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो ये दुकानों जो चौक में यहाँ बहादुरपुर में पीर बहोर में उधर कदम कुआं में और कंकड़बाग पत्रकार नगर अन्य जगह भी इनका वो है, लेकिन वो अनुसंधान का पार्ट है। फिलहाल इसकी जो रिकवरी है जिसको हम कहेंगे कि 8022 वाइल्स जो हैं एक बंदा देखिए मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसमें ऑर्गेनाइज जो भी ये कार्टल्स होते हैं या पेडलर्स होते हैं दे वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ये एक व्यक्ति के द्वारा कार्य करना जो है संभव नहीं होता है। इस कड़ी में भी इस जो हम ये उद्भेदित आपको करके बता रहे हैं इसमें 7 लोग जो हैं अभी तक हम हिरासत में ले चुके हैं, तो इसमें कौन कौन है आगे भी अनुसंधान होगा और चल रहा है। मेडिकल दुकानों को भी चिन्हित किया गया जो कि बिना डॉक्टर के वो हम वो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं या जो दवा देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ जो लिंक पिन हमने अभी तक निकाले हैं कि ये लोग जो मार्केट में नशे का सेवन कर रहे थे वो लोगों के पास ये दवा मिल रही है, तो जो जो इस धंधे में या इस पूरे चेन में आ रहे थे उन लोगों को चिन्हित करके हमने कार्रवाई की है, हम लोग आगे भी इसमें कार्रवाई करेंगे। ये मेडिकल शॉपकीपर हैं, एजेंसी होल्डर हैं, एमआर हैं, इस कंपनी के नहीं, ये देखिए ये कुछ की तो मेरे ख्याल से दुकान है, कुछ जो हैं ये जैसे ये अमरजीत है ये पहले चोरी वोरी और आर्म्स एक्ट वाले केस में इन्वॉल्व है, तो ये अलग अलग अब इसके 10 काम है 15 काम है वो अनुसंधान में और आएगा निखर के। हाँ तो दुकानदार तो इसमें जो जो आए हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, इसमें जो पीर बहोर में भी एक शॉप है, कदम कुआं में है, पत्रकार नगर में है, कंकड़बाग में है, संदलपुर ब्लैक में कीमत बहुत ज़्यादा होगी, ब्लैक में तो डिपेंड करता है कि जो कंज्यूमर है कितना देने को तैयार है, एक कस्टमर को कितने इन्वेस्ट कर। जाहिर सी बात है कि संदीप सिंह ने साफ तौर से कहा है कि अभी 7 अपराधियों को धर दबोचा गया है और इसमें इनसे अभी पूछताछ लगातार जारी है और इनके और नेक्सस को खंगाला जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि यह जो नशीला कारोबारी यह चला रहे थे इसकी जड़ तक मुझे पहुंचना है और पहुंचने के लिए लगातार पूर्वी एसपी के द्वारा छापेमारी जारी रहेगी। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।